मैं पीछे पीछे भाग रही है। पता है उसको बड़ी बॉल दिखा रही है कि तू बड़ी ले ले तो मैं छोटी ले लूंगी। भाग जा सिम्बा भाग जा। ओ देखो हो गई शुरू टॉम एंड जेरी। क्या पागलपन चल रहा है ये? फिर रोते फिरोगे माँ बेटा। मुझे 10 मिनट से ये सुसु कर रहा है यहाँ पे, लिटरली 10 मिनट हो गए। माई सोसाइटी में गरबा की तैयारी हो रही है, ये पता नहीं इन्होंने कम से कम नहीं तो 5-6 दिन पहले से ही लगाया हुआ है, और अभी भी नवरात्रि में 4 दिन बचे हैं। कितनी एक्साइटमेंट है सबको। गुड मॉर्निंग सिम्बा, क्यों दुखी हो? अभी आपका अंडा बन रहा है। मोटू और जो मोटू मोटू को बेली रब चाहिए ऐसे ऐसे। मोटू आप हमेशा मुंह में टॉय रखा करो, ठीक है बापू? हाँ टॉय कहीं चला जाएगा है ना, हमेशा मुंह में टॉय, हमेशा मुंह में कोई टॉय होना चाहिए इसके। ये पता है क्या कर रहा है? अपने दोनों अंडे खा के अभी भी उधर अंडे की कटोरी के पास ही खड़ा हुआ है, क्योंकि इसको बाकी दोनों अंडे भी चाहिए। देखो अभी भी ढूंढ रहा है वो, पर मैं उसको नहीं देने वाली क्योंकि वो दो अंडे बुलबुल के। काउंटिंग नहीं आती आपको तो आप जितनी मर्जी भी खा जाओगे। ओए छिप्पी ओए, अभी बुलबुल के अंडे हैं ये। तो यहाँ पे धरना मत लगा, ये तो बैठ ही गया है कि मैं तो अंडे खा के मानूंगा। ये क्यों परिक्रमा हो रही है टेबल की पता नहीं, वो घुर घुर करती हुई आ गई। जाओ बुलबुल ले लो सिम्बा से बॉल, अभी फिर जाएगी लेने। पता है उसको बड़ी बॉल दिखा रही है कि तू बड़ी ले ले तो मैं छोटी ले लूंगी। भाग जा सिम्बा भाग जा। ओ देखो हो गई शुरू टॉम एंड जेरी। बुलबुल सिम्बा की पिटी नहीं करनी, अगर आपकी काटी की सिम्बा को तो फिर मैं बताऊंगी आपको अच्छे से। देख अब यहाँ से आएगी उसको पकड़ने। लोग दे रहा तू ये ले, मैं बोलूंगा हाँ ये ले, देख ये नहीं छोटा है ले, ये ले, ये ले। नहीं उसको वही चाहिए जो सिम्बा के पास है। देख दोनों दोनों पकड़ लिया पर फिर भी उसको वही चाहिए देख जो सिम्बा के पास है। बस शुरू खेल। बुलबुल तू कितना शैतान हो गया है। अब मेरे साथ करने जाएगी तो खेलूंगा मैं तेरे साथ। हाँ जाएगी तब मेरे साथ हाथ बटा तब मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, मैं तो ही खेलूंगा पापा। मैं पीछे पीछे भाग रही है। ये रोज सुबह का काम है, रोज सुबह पहले ऐसे होगा, फिर रात में सोने से पहले लड़ाई होगी। भाई बहन की थी, कभी बैठी है बगल में, अपना टॉय गिरा दिया इसने और उसकी पूरी नजर सिम्बा के टॉय पे। देख छिपी भाग जा बुलबुल, देखा उसने ले ही लिया सिम्बा से। ओले मेरा भोला बच्चा, भोला बेबी भाग को लो। कहाँ गई भागी बुलबुल? रूम में गई है, खाना भी नहीं खाया बुलबुल ने, अपना खत्म किया है। बुलबुल गंदी बात ना, आप सिम्बा से बॉल लेके आके। हाँ सिम्बा गुच्छा कर रहा है, गंदी बात है ये। चलो आपके पास इतने टॉय हैं, आपने इतने सारे टॉय छोड़ के जो सिम्बा ने बॉल ढूंढी है आप वो ले रहे हो उससे? ले भाग जा सिम्बा भाग जा भाग जा। सिम्बा भी भागा बुलबुल भी भागी पीछे। बाप रे फुल ऑन एंटरटेनमेंट। यहाँ पे भी अभी 10 बॉल रखी हुई है, देखो एक वहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ रखी है एक। नहीं चिकन का पीस नहीं है ना उसमें, ऐसे कैसे खा लेगी? जलन हो जाता है जलन तुरंत। उसको वही चाहिए जो सिम्बा को चाहिए बस। डॉगी आ गया, डॉगी आ गया, जाओ जाओ देखो डॉगी आ गया, डॉगी आ गया, जाओ। पर्वत इसके नीचे से बॉल है इसकी बहुत सारी, निकाल ले। क्यों तुम मम्मी के पास जगह बना के बैठ गए अपनी? बदमाशी नहीं करनी है सिम्बा? मैं कोई ला ले जाएगा तो उसको
क्यों पागल कर रहा है? फंसे किधर है? क्या पागलपन चल रहा है ये? फिर रोते फिरोगे माँ बेटा। चलो बाहर निकालो बॉल। क्या हुआ? मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी जा रही हूँ। जाओ। मम्मी जा रही घूमी करने? चलो मैं जा रही हूँ। मैं जाती हूँ। जाओ। बहुत शैतानी किया तुमने। मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ बाय। इस बॉल के पीछे पड़ी हुई है, इसने निकाली वहां उस यूटिलिटी से। तू देखना आफत होगी। ये बॉल कहां से लाई हो? ये खुद ही ले आए थे गार्डन से। इनकी वो टेनिस बॉल है गार्डन से। हाँ, तो वैसे बच्चे कितने हो सारे बॉल इन्होंने गार्डन से लेके आए हैं। पता है बच्चों की किसी की छूट जाती है तो ये बिल्कुल आदमियों के बच्चे हो गए हैं। बॉल उठा लाते लोगों की, टॉय उठा लाते। मम्मी कसम से पता है गार्डन में किसी की बच्चे की बॉल छूट जाती है। सिम्बा तो इतना माहिर है बॉल ढूंढने में, तुरंत ले आता है। छोड़ो मेरे ऊपर चढ़ के बॉल ढूंढ रहे दोनों। नहीं बॉल ढूंढ नहीं रहे, बॉल छीनना झपटी हो रही है। उधर जाओ मैदान पे लड़ने। मैदान में रेडी है वो फुल। चलो डराया था ना उस दिन भूत से। वो नहीं आएगा, वो जाती घूमने का जो वो तेरे बिना क्या था। कौन ये? हाँ। चल बुलबुल बोलो चलो घूमी आ जा। चलो बुलबुल देख देख पड़ी। चल बुलबुल चल चलो आ जा। वो तो कभी नहीं आएगा। जाओ चल रहे। चलो ये चश्मा आई है कि कोई तुम्हारी चीज नहीं है। हाँ। क्या? कह रहा है चलो चल के चल के नहीं रही मुझे लेके घूमी कराने। मुझे पहले चप्पल पहनने दो। पहले रुको लीश लाओ। लीश लो अपनी लीश लाओ बोलो। लीश लो लीश लाओ। चलो बोलो ऐसे जाओगे घूमने? ये कौन पहनेगा? ये पहनो। चलो बोलो ये पहनाओ। कहाँ ले जाएंगे मम्मी हम लोग इनको घुमाने? पार्क में। चलो पार्क चले। पहनो। नहीं इसके बिना नहीं जाओगे, ये पहनो पहले। नहीं। सो गाइज आप लोग सोचोगे कि व्लॉग सुबह 8 बजे क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने टाइम चेंज करके कर दिया है शाम के 8 बजे। क्योंकि यार जब मैं सुबह 8 बजे के लिए व्लॉग पब्लिश करने के लिए रखती हूँ ना, तो मुझे रात में एडिटिंग करना पड़ता है और बहुत लेट हो जाता है मुझे सोते हुए। फिर उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती, तबीयत ख़राब लगती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इट्स बेटर कि मैं एक दिन प्रीवियस डे का जो भी ब्लॉग होगा, जो भी फुटेज होगी मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट डे एडिट करके दिन में शाम तक ब्लॉग पब्लिश कर दूंगी। घूमी करने कौन जाएगा? आ जाओ पहले मैं रेडी कर दूँगी बुलबुल को। कल इनकी सब भी धुलवानी है लीश। क्या हुआ क्या हुआ बुलबुल? थसका क्यों लग गया मेरी बुलबुल को? सिम्बा रेडी हो जाओ, दौड़ी दौड़ी करके आना है। पे सारा गरबा की तैयारी चल रही है और यहाँ पे मुझे मिला है सिम्बा का फ्रेंड रोलो। हाय
हाय रोलो। सो गाइस घर आके ना डिनर से मैं ले आई हूँ अभी सिम्बा को नीचे। पहले मैं बुलबुल को लेके आई, उसको शुशु कराया, घर पे छोड़ा। अब मैं सिम्बा को एक पूरा राउंड दिला रही हूँ सोसाइटी में ताकि उसका एक मिनी वर्कआउट हो जाए और मेरा भी। तो बस इसके बाद मैं सोच रही हूँ घर जाके सिम्बा की नज़र उतार दूँ कि मुझे उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। मुझे 10 मिनट से ये सुसु कर रहा है यहाँ पे, लिटरली 10 मिनट हो गए। ये देखो कितनी बड़ी सुसु। खुश हो गया तू चीचू कल के? चिपी रन रन रन। यहाँ मेन गेट आया तो ये भाई साहब बाहर निकलने लग गए। कहाँ गए भाई साहब, कैमरा में दिख क्यों नहीं रहे? एक दिन मैं सोच रही हूँ उसके सर पे गोप्रो फिट कर दूँ और इसको दे दूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, है ना सिम्बा? ब्लॉगिंग करेगा तू? गाइज यहाँ पे ना मैं सिम्बा की नज़र उतार रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है, कि इतना क्यूट ही है ना वो। सो अभी ना मैंने सिम्बा की नज़र उतारी और मिर्चियों में ना इतनी ज़ोर ज़ोर से लपटी उठ रही थी, इतनी ज़्यादा। एंड बंद घर में भी ना इस टाइम पे देखो, क्योंकि रात हो गई है, मच्छर वच्छर होते हैं, तो घर पूरी तरीके से बंद ही है, उसमें भी मतलब ऐसे बिल्कुल रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि हमने मिर्ची जलाई भी है। मतलब एक जो स्मेल भी आती ना हल्की सी, वो तक नहीं आई। तो आई एम श्योर उसको बहुत ज़्यादा नज़र लगी होगी और मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में बिलीव भी करती हूँ। और मैंने ना सिम्बा को बुलाया कि सिम्बा नज़र देख ले, क्योंकि ऐसे हमारे दिखाते हैं नज़र, मुझे नहीं पता आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता होगा तो बताना। तो मैंने उसको बोला कि आ नज़र देख ले, जब नज़र जला रही थी मैं। तो वो आया, उसने देखा और कहते बहू, जैसे कि ना जिसने नज़र लगाई उसे गाली दे रहा हो, इतना फ़नी था वो। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया। बट या तो यही था आज का दिन। एंड सिम्बा की तबीयत मुझे थोड़ी सी ख़राब लग रही है, यू नो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द डाइट उसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट रख रही हूँ, उसका एक्सरसाइज भी थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो लो है, या फिर ही इज़ लो बिकॉज ऑफ द वेट गेन दैट ही हैड इन यू नो दिस लास्ट फ्यू डेज। तो जो भी है, आप लोग भी प्लीज़ प्रे करना कि जैसे भी है सिम्बा ठीक रहे। एंड जब कलेक्टिवली लोग प्रे करते हैं तो वो ज़रूर वर्क करती है। ऐसे तो ही इज़ एक्टिव, ही इज़ नॉटी, ही इज़ फाइन, बट थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज मुझे नज़र आ रहा है उसके। तो ये था आज का हमारा दिन और इसी साथ में करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। कितनी सुसु आई है इसको, अभी इसने 10 मिनट तक सुसु की है, फिर 5 मिनट तक सुसु कर रहा है, हद है।